এগুলো সব 7 টাকা দর্জন হ্যাঁ 7 টাকা দর্জন 12 টাকা কাই রাখিগুলো কত টাকা কাকা 42 টাকা কেসে करके भैया और यहां पर 15 अगस्त पर इस्तेमाल होने वाले आइटम्स दुकान सजे हुए हैं। तो 15 अगस्त और रक्षाबंधन के अवसर पर दुकानों पर आइटम जो सजे हैं इससे रंग बिरंगा पूरा मार्केट दिख रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि रक्षाबंधन है सामने में, तो आप कोई राखी के मार्केट विजिट करके दिखाइए। तो आज के इस ब्लॉग में कोलकाता का सबसे फेमस चीना मार्केट विजिट करने जा रहा हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारे राखी के दुकान सजते हैं। तो इस ब्लॉग में राखी के दुकान के साथ ही साथ चीनी मार्केट पूरा एक्सप्लोर कर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मेरा ट्रेन जो है एंट्री कर रहा है, और प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर आ गया। तो ये देख सकते हो, ये है हावड़ा स्टेशन का बाहर का व्यू, और सामने में ही है हावड़ा ब्रिज। तो कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन से कोलकाता का चीना मार्केट की दूरी है 15 मिनट पैदल, और अगर आप बस से जाना चाहते हो तो 10 मिनट का समय लगता है। तो कोलकाता का चीना मार्केट कोलकाता का बर्बन रोड में स्थापित है। तो आप जब भी बस या पैदल जाते हो तो कोलकाता का बर्बन रोड में आपको जाना होता है। तो इस हावड़ा ब्रिज से कोलकाता का चीना मार्केट का सफर पैदल ही तय करते हैं, और रास्ते का व्यू दिखाते हैं और आपको एक्सप्लोर कर दिखाते हैं कोलकाता का चीना मार्केट। तो फाइनली गाइस कोलकाता का इस हावड़ा ब्रिज के इन पे आ गया, और यहाँ पे जो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज का इन रहता है, और यहाँ से जो कोलकाता का 12 बजे का स्टार्टिंग हो जाता है। तो फाइनली कोलकाता का 12 बजे ग्रोसरी मार्केट के सामने आ गया। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये है ग्रोसरी मार्केट, और इस मार्केट के पास में जो ओवरब्रिज आपको दिख रहा है, इस ओवरब्रिज का जहाँ पे एंड होता है वहीं से कोलकाता का चीना मार्केट का स्टार्टिंग हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली बर्बन रोड को पार करके इस पर आ गया, और इस पर मैं एक के बाद एक राखी की दुकानें सजी हुई है, क्योंकि सामने ही 19 अगस्त को राखी पर्व है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी एक के बाद एक दुकानें सजी हुई है राखी के। सर राखी किलो कदे करे दादा, राखी किलो कदे करे, एक किलो, एक किलो, हाँ 7 टका दर्जन। तो काफ़ी अच्छा जो राखी है, 7 रुपये बोल रहे हैं। तो और अगर तरफ चलते आएगा फिर दिखाते हैं। ये राखी कैसे, राखी ये राखी 60 रुपये दर्जन। तो भैया काफ़ी अच्छा जो राखी बोल रहे हैं, 60 रुपये दर्जन। तो और अगर तरफ चलते हैं। और यहाँ पर भी एक राखी की दुकान है, बट काफी कस्टमर क्राउड है। तो ये वाला कैसे, 90 रुपये दर्जन। तो यहाँ के दुकानों पर रंग बिरंगा हर प्रकार के राखी सजे हुए हैं, और हर क्वालिटी के राखी है। अगर आप 60 रुपये वाला लेना चाहते हो तो 60 रुपये दर्जन भी मिल रहे हैं, और 90 रुपये वाला लेना चाहते हो तो 90 रुपये दर्जन भी मिल रहे हैं, और इसके अलावा 120 रुपये भी मिल रहे हैं। तो जैसा जैसा क्वालिटी वैसे वैसा दाम भी है। सब 7 टका दर्जन। तो यहाँ पर भाभी सेल कर रही है 60 रुपये और 72 रुपये दर्जन। तो और अगर तरफ चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा अच्छा राखी है, यहाँ पर दाम जान लेते हैं। कई राखी को कदम काका 42 टका दर्जन, 42 रुपये दर्जन। काफ़ी अच्छा अच्छा राखी है, लेकिन 42 रुपये दर्जन, और जैसा जैसा क्वालिटी है जैसे अलग अलग दाम है। तो और अगर तरफ चलते हैं, आओ और आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर सुंदर राखी से दुकान सजे हुए हैं। और यहाँ पे जो दुकान सजे हुए हैं, यहाँ पर 30 रुपये बंडल, 50 रुपये बंडल राखी सेल हो रहे हैं। तो एक लोग कौन-कौन राखी लोग कौन-कौन है दादा? 60 टका दर्जन। 60 टका दर्जन, इतने कॉमन नहीं? तो भैया बोल रहे 60 रुपये दर्जन। तो और अगर तरफ चलते हैं। तो ये सब था चीना मार्केट के बाहर सजे दुकानों का व्यू। अब इस चीना मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो बाहर का व्यू है। ये वाला राखी कैसे, 50 रुपये दर्जन बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो बहुत तरह का राखी है, इसमें जैसे जैसा क्वालिटी है वैसे वैसे दाम है। तो अब इस चीनी मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं।
तो ये रहा एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री करते सिनेमा के अंदर। तो फाइनली मेन चीना मार्केट के अंदर एंट्री कर गया। तो ये देख पा रहे हो, ये है चीना मार्केट के अंदर का दुकानों का व्यू। तो कोलकाता के चीना मार्केट स्पेशली स्टूडेंट स्टेशनरी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, और इसी कारण से इस चीना मार्केट में आपको स्टेशनरी प्रोडक्ट के ज़्यादा दुकान दिख जाएंगे। और इसके अलावा इस मार्केट में फेस्टिवल के टाइम में काफ़ी से दुकानों पर फेस्टिवल के आइटम सस्ते हैं, जैसे कि होली के टाइम में होली आइटम सस्ते हैं, और राखी के टाइम में राखी के प्रोडक्ट सस्ते हैं, और इसी प्रकार से और भी फेस्टिवल के टाइम में और प्रोडक्ट सस्ते हैं। और यहाँ पर पास पास में एक के बाद एक बैलून वगैरह के दुकान सजे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिड़िया मार्केट के अंदर भी काफी सारे राखी वगैरह के दुकान सजे हुए हैं। तो इस चिड़िया मार्केट के और आगे तरफ चलते हैं और दुकानों का व्यू दिखाते हैं। तो काफी सारे एक के बाद एक राखी वगैरह के दुकान सजे हुए हैं। तो यहाँ पर जो दुकानें आपको दिख रहे हैं राखी वगैरह के, ये विशेष करके होलसेल दुकान है। यहाँ पर जो रिटेलर दुकानदार होते हैं कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों के, वो यहाँ पर से होलसेल प्राइस में बाय करते हैं और रिटेल प्राइस में अपने एरिया में सेल करते हैं। तो इस सिनेमा मार्केट के और आगे तरफ चलते हैं। तो अगर आप भी रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बाई करना चाहते हो, और अगर आप रिटेलर दुकानदार हो या बल्क में बाई करना चाहते हो, तो यहां से आप आसानी से सस्ते दामों में बाई कर सकते हो। तो यहां पर देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर राखी से सजे दुकान है। और इस महीने में राखी के साथ साथ 15 अगस्त भी है, जिसके कारण यहाँ पे काफी सारे फ्लैग भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट स्टेशनरी प्रोडक्ट के दुकान सजे दिख रहे हैं। और कोलकाता के इस चीना मार्केट में काफी ऐसी दुकानें हैं जो ओनली टॉयज सेल किया करते हैं, जो आगे आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर भी काफी सारे राखी के दुकान सजे दिख रहे हैं। तो और आगे तरफ चलते हैं इस चीना मार्केट के और आगे का व्यू दिखाते हैं, और कितने सारे दुकानें हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट सजे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक के बाद एक स्टूडेंट स्टेशनरी प्रोडक्ट के दुकान सजे हुए हैं। तो चीना मार्केट के दुकानदारों से बात करने से पता चला कि इस मार्केट में कुछ ऐसे दुकानें हैं जो होलसेल और रिटेल दोनों ही सेल किया करते हैं, बट कुछ ऐसे भी दुकान हैं जो ओनली होलसेल सेल किया करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे दुकानें हैं जो 15 अगस्त में इस्तेमाल होने वाले आइटम से भरे पड़े हुए हैं। तो कोलकाता के इस चीना मार्केट में काफ़ी से दुकानें हैं जो ओनली फिक्स प्राइस में सेल किया करते हैं, बट काफ़ी से दुकानें हैं जिसका प्राइस फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग करके बाय कर सकते हो। और इस चीना मार्केट में आपको हर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो दाम भी उसी प्रकार से होता है। और इस लेन में जितने सारे दुकानें हैं वो 15 अगस्त और रक्षाबंधन में इस्तेमाल होने वाले आइटम से भरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कोलकाता के चीना मार्केट के स्टार्टिंग पॉइंट चलते हुए काफ़ी आगे तक आ गया, और आगे तक चलते हैं और सारी दुकानों का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक के बाद एक दुकानें सजे हुए हैं कॉपी कलम वगैरह के। तो स्टूडेंट स्टेशनरी की दुकानें काफ़ी सारे यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ दुकानें एक के बाद एक राखी से सजे हुए हैं। तो गाइस कोलकाता के चीना मार्केट होलसेल और रिटेल दोनों ही है, जिसके कारण इस मार्केट में काफी क्राउड हुआ करते हैं, और कभी कभी इस मार्केट में इतना क्राउड होता है कि रास्ता ही पूरा जाम हो जाते हैं। तो अभी देख पा रहे हो यहाँ पे रास्ता कितना जाम है। और यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर राखी से दुकान सजे हुए हैं, तो दाम जाने का प्रयास करते हैं। कैसे करके भैया? तो यहाँ पर भैया 60 रुपए दर्जन राखी बेच रहे हैं, काफी सुंदर सुंदर राखी है यहाँ पर।
अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग दाम है क्या इसमें? तो सब 60 रुपये दर्जन है, 48 रुपये दर्जन है, 150 रुपये दर्जन 48 रुपये दर्जन 48। तो इस दुकान पर जैसा क्वालिटी का रखी है वैसा दाम भी है, 48 रुपये का भी है, 125 रुपये का भी है, 60 रुपये का है, जैसा क्वालिटी है वैसा दाम है। तो अगर आप आते हो और अगर बाय करते हो तो बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो और अगर तरफ चलते हैं और आए आपको भी दिखाते हैं सीना मार्केट का। और यहाँ पर 15 अगस्त पर इस्तेमाल होने वाले आइटम्स दुकान सजे हुए हैं। तो 15 अगस्त और रक्षाबंधन के अवसर पर दुकानों पर आइटम जो सजे हैं इससे रंग बिरंगा पूरा मार्केट दिख रहा है और काफी सुंदर व्यू दिख रहा है। तो गाइस कोलकाता के चीना मार्केट काफ़ी बड़ा है, जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो और अगर तरफ चलते हैं। कैसे क्या रखे हुए दर्जन? तो कितना करके दर्जन होगा? ये पड़ेगा 60 रुपये और ये पड़ेगा 30। तो 60 रुपये और 30 रुपये दर्जन के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक 30 रुपये और 60 रुपये दर्जन राखी मिल रहे हैं और आपको एक दर्जन ही लेना पड़ेगा। तो गाइस सच बताओ तो इसके पहले भी चीना मार्केट एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बट आज इतना सुंदर दिख रहा है इसके पहले नहीं दिखा है, क्योंकि रक्षाबंधन और 15 अगस्त के जो आइटम दुकानों को सजे हैं इससे पूरा रंग बदल गया है चीना मार्केट का। तो फाइनली चीना मार्केट क्रॉस करते हुए एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया और इस टर्निंग पॉइंट पर टॉयज के दुकानें सजे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंगल पीस का 50 रुपये भैया? तो यहाँ पर बच्चे लोग खेलने का गुड़दल मिल रहा है, एक दर्जन के 50 रुपए है। तो चीना मार्केट का टर्निंग पॉइंट पार करते हुए कुछ आगे आ गया और यहाँ पर भी राखी के दुकान सजे हुए हैं, तो दाम जाने का प्रयास करते हैं। चलो कैसे करके बोला? तो यहाँ पर चाचा राखी का दाम 45 रुपये दर्जन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर और भी क्वालिटी का राखी है, तो जैसा क्वालिटी है वैसा दाम है। तो फाइनली गाइस कोलकाता का चीना मार्केट क्रॉस कर गया और यहाँ पे कोलकाता का चीना मार्केट का एंड हो जाता है और यहाँ से कोलकाता का कैनिंग स्ट्रीट का स्टार्ट हो जाता है। तो ये था गाइस कोलकाता का चीना मार्केट जिसका स्टार्टिंग से इंटर का व्यू दिखाया। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नए नए ब्लॉग आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी विशेष जगह ब्लॉग बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब टेक केयर, जय हिंद।